IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुनैन और आज मैं आपके साथ कुछ MCAT की बातें लेकर आने वाला हूँ। हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप 24 फरवरी को अपने MCAT के एडमिशन्स कैसे क्लोज कर रहे हैं, अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है और MCAT का टेस्ट तो अगस्त में है। तो इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आज मैं इस वीडियो पर बात करूँगा। अच्छा जी, हमारे पास पाकिस्तान में कराची में डूबी प्रेशाइश दो तरह के लोग हैं, एक इंटरमीडिएट वाले हैं, मैं अगर मेजर चंक की बात करूं, एक सिंध बोर्ड इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं और एक ए लेवल्स वाले बच्चे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटर के इम्तिहान कब है। इस दफ़ा इंटर के इम्तिहान हैं 18 जून से लेकर 5 जुलाई तक, और ए लेवल्स के इम्तिहान कब हैं, तकरीबन मई का पूरा महीना ही कंज्यूम हो रहा है, तकरीबन हो रहा है, लेकिन यह है कि इस पर अभी थोड़ा ऐड ऑन करूँगा मैं। अब बात करते हैं कि एडमिशन्स अभी क्लोज करने की क्या वजह है। इंटर और ए लेवल्स के इम्तिहान के बाद टाइम है तो तैयारी करने के लिए, तो अब आप थोड़ी सी मैथ करें। अगर हम 24 फरवरी को अपने एडमिशन्स क्लोज कर रहे हैं, तो अगर मैं इंटर वालों की बात करूं, आपके पास क्या है भाई, आपके पास तकरीबन पूरा मार्च है, तकरीबन पूरा अप्रैल है, और मई के अल्लाह ने चाहा तो 3 हफ्ते तो हम आपको बुलाएंगे। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है क्योंकि आपको फिर ऑफ चाहिए होगा अपने इंटर के इम्तिहान की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो PMC में आपका एडमिशन होगा MCAT में, वो 50% आपका इंटर की परसेंटेज है और 50% आपका टेस्ट है। तो मई के आधे महीने के बाद या 3 हफ्तों के बाद आपका होगा कि भाई अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे तैयारी करनी है अपने इंटर की। तो 2.5 से 3.5 महीने आपको मिल रहे हैं आपके इम्तिहान से पहले, और 5 जुलाई को जब आप फ्री होकर आएंगे तो आपके पास जुलाई होगा, और आपके पास देखा जाए तो अगस्त के सिर्फ और सिर्फ 15 दिन होंगे, तो 1.5 महीना होगा। तो 2.5 महीने इम्तिहान से पहले और 1.5 महीना इम्तिहान के बाद, ये टोटल 4.5 से 5 महीने की गेम बैठ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब 4.5 महीने आप समझें बेहतर रहेगा आपके लिए ना, ये मैक्सिमम है। अब अगर आप बात करते हैं ए लेवल्स की, तो ए लेवल्स में बच्चा अगर हमारे पास पूरा मार्च आता है तो वो अप्रैल पूरा नहीं आएगा, वो अप्रैल के सिर्फ 15 दिन हमारे पास आएगा। क्यों भाई, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में उसके इम्तिहान शुरू हैं। तो ए लेवल्स वालों के लिए 1.5 महीना पहले है, मई का पूरा महीना वो ऑफ करेंगे, जून जुलाई और अगस्त का आधा महीना, तो 1.5 महीना पहले और 2.5 महीने बाद में, तो तकरीबन 4 महीने हमारे पास बनते हैं ए लेवल्स वालों के। अब यही सोचें आप कि अगर आप इम्तिहान से पहले हमारे पास नहीं आते तो ये टाइम तो हाफ हो जाता। अब क्या हाफ टाइम में, जो कि 2-2.5 महीने के आसपास, तैयारी नहीं हो सकती भाई? तैयारी तो 1.5 महीने में भी हो सकती है, कोर्स तो कोई भी करा सकता है, कोई भी, मतलब कोर्स करने में क्या है, कोर्स को अप्लाई करना सारी गेम होती है। देखें, तैयारी की डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। हम समझते हैं तैयारी क्या है, हम कोचिंग सेंटर गए, हमने वहाँ से क्लासें ली, हमने अपना कोर्स ख़त्म करा एंड डन। नहीं भाई, ये तो 50% तैयारी है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन हो, जो पूरा कोर्स किया है उस कोर्स को जब तक मैं सेल्फ स्टडी नहीं करूँ, जब तक उसके प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करूँ, उसके ग्रैंड टेस्ट नहीं करूँ, उसके मॉक टेस्ट नहीं करूँ, उसके रिविजन टेस्ट नहीं करूँ, तब तक तैयारी कैसे होगी? मैं आपको यूट्यूब पे स्विमिंग की वीडियो दिखाऊँ, किसकी, माइकल फेल्प्स की दिखाऊँ, दुनिया का नंबर 1 स्विमर, और मैं आपको बोलूँ स्विमिंग सीख गए भाई, माइकल फेल्प्स जैसी स्विमिंग कर लोगे, तो वीडियो देख के तो स्विमिंग नहीं आएगी ना भाई। जब तक मैं पानी में नहीं उतरूँगा तब तक मुझे स्विमिंग थोड़ी आएगी। तो पूरे कोर्स को जब तक मैं रिवाइज नहीं करूँगा, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करूंगा, उसके ग्रैंड टेस्ट नहीं करूंगा, तब तक स्कोर ही नहीं आएगा। तो 50% आपका जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो आएंगे तभी, एक्स्ट्रा जो 50% वो सिर्फ तब आएंगे जब आप अपने कोर्स को अच्छे से रीअप्लाई करोगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि अभी तो मेरे इंटर के इम्तिहान है, मैं अभी से MCAT की तैयारी क्यों करूं, ये तो मेरे पे बर्डन हो जाएगा। भाई चले आपको बता देते हैं, इस वक्त हम MCAT में सेकेंड ईयर का कोर्स कराएंगे, और ये जो सेकेंड ईयर का कोर्स है ये आपको आपके इंटर के इम्तिहान में हेल्प करेगा, आपके इंटर के चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा, आपके ए लेवल्स में आपको हेल्प करेगा। तो भाई ये है छोटी सी समरी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2-2.5 महीने में तैयारी हो जाएगी, तैयारी नहीं होगी, कोर्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फिर वही बात, कोई भी करा सकता है। तो तैयारी वो है जो आपको 160-170 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए। देखें जी, आपके जो मार्क्स होंगे ना पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, वो 170 के आसपास होंगे तो ही आपका चांस है।
ठीक है जी। परसेंटेज तो आप इंटर को 2 साल देते हैं, ए लेवल्स को 2 साल देते हैं और ए लेवल्स को 2 महीने देते हैं, ओ अपने टेस्ट की तैयारी को 2 महीने देते हैं। तो कैसे, बोर्ड को 2 साल और टेस्ट को 2 महीने, जो कि दोनों की वेटेज 50%, तो ये तो ज्यादती है ना। तो बिल्कुल इसको मैं समराइज करूंगा कि अगर आपको टॉप अचीवर्स में बनना है, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, पब्लिक चले प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट बनना है या किसी भी और मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपको अभी एक्शन लेना होगा। हम तो अपने बहुत सारे बैचेस बना चुके हैं सारे कैंपस में, ये आखिरी बैच है और इस वीडियो की मकसद ही यही है ताकि आप डिसीजन ले लें। बहुत सारे अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं इंटर के इम्तिहान, ए लेवल्स के इम्तिहान खत्म होने का, ठीक है जी। पिछले साल 1st, 4th, 7th और 8th माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ये पोजीशन कराची की हमारी आईबे ग्रेड्स की थी और इसकी वजह क्या थी, ये जितने भी बच्चे थे इन सब ने पहले तैयारी शुरू करी थी, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। तो जल्दी तैयारी करने के ये फ़ायदे हैं, डिसीजन लें, एक्शन लें और इसको फिर इम्प्लीमेंट करें, इनशाला बहुत फ़ायदा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी हो, इनशाला अल्लाह आपके लिए बेहतर करे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।